पीएम मोदी विश्व के पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसराइल का खुलकर समर्थन किया और हमास का जमकर विरोध किया। अब उनकी राह पर उनकी सबसे खास दोस्त जॉर्जिया मेलोनी चल पड़ी है, उनकी राह पर कहें या फिर ये भी कह सकते हैं कि चार कदम आगे चल रही हैं। पीएम मोदी ने तो इसराइल के समर्थन का ऐलान किया, लेकिन मेलोनी मैडम तो मिलने पहुंच गई। दरअसल इसराइल और हमास के बीच लंबे समय से जंग चल रही है, ये जंग अब तक किसी अंजाम तक नहीं पहुंची। इसराइल सरकार लगातार हमास के आतंकियों को मारने का संकल्प दोहरा रही है। इस बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस अंदाज में मैडम मेलोनी नेतन्याहू से मुलाकात कर रही है। उनके इसी अंदाज के तो सब कायल है, उनकी इस प्यारी सी स्माइल ने न जाने कितनों के होश उड़ा रखे हैं। मेलोनी से मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने उनका शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही नेतन्याहू ने हमास को नया इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया बताया। नेतन्याहू ने कहा, ये एक तरह से परीक्षा है, सभ्यता की परीक्षा, और हम इस परीक्षा को जीतेंगे। हम उन सभी देशों से उम्मीद करते हैं जो आईएसआईएस से लड़ने के लिए एकजुट हुए हैं, वो एकजुट होकर हमास से लड़े, क्योंकि हमास नया आईएसआईएस है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से कहा, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी जॉर्जिया, थैंक यू फॉर कमिंग हियर, थैंक्स फॉर स्टैंडिंग विद इजराइल। वी ऑलवेज से देयर इज वन थिंग बेटर देन स्टैंडिंग विद इजराइल, इट्स स्टैंडिंग इन इजराइल। सो वी वेलकम यू फॉर कमिंग हियर। दिस इज अ टाइम आवर डार्केस्ट आवर, वी हैव टू डिफीट दिस बार्बरिज्म, दिस इज अ बैटल बिटवीन द फोर्सेस ऑफ सिविलाइजेशन एंड रियली मॉन्स्ट्रस बारबेरियंस हू murdered, mutilated, raped, beheaded, burnt innocent people, babies, grandmothers. This is a test, a test of civilization, and we will win. And we expect all the countries that lined up to fight ISIS to line up and fight Hamas, because Hamas is the new ISIS. So thank you for coming. वहीं नेतन्याहू ने जब ये बयान दिया तो इसके जवाब में मेलोनी ने भी बहुत शानदार बात कही। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप कुछ सुनिए। थैंक यू प्राइम मिनिस्टर, आई एम हैप्पी ऑफ बीइंग हियर। आई थॉट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू कम पर्सनली टू ब्रिंग द सॉलिडारिटी ऑफ द इटालियन गवर्नमेंट एंड द इटालियन पीपल एंड टू टेल यू दैट वी सॉ इमेजेस वर इनक्रेडिबल अबाउट व्हाट हैपेंड टू वीक्स अगो दैट शोड समथिंग मोर देन सिंपली well a war. They showed somebody who wants to cancel Jewish people from this region, and it is up to anti-Semitism. Yeah. And that's something that we have to fight yesterday and today. So we defend the right of Israel of existing, of defending itself, security for its people, and we absolutely understand that terrorism has to be fought, and we believe and we think that you are able to do that in the best way. I mean, for we are different from those terrorists. Well, we certainly are. We certainly are. Thank you, John. Thank you. बता दें कि तेल अबीब में इजरायली नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इन प्रदर्शनकारियों ने बंधकों को वापस घर लाने की मांग उठाई और इजरायली रक्षा मंत्रालय मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बंधकों और लापता लोगों के परिवार के सदस्य का कहना है कि हमारे परिजन को हमास के आतंकियों ने घर से अपहरण कर लिया, कुछ बच्चे हैं। इसराइल के लोगों का कहना है, वहाँ बंधक नहीं होने चाहिए, ये एक युद्ध है, सेना बनाम सेना, ये बच्चों के लिए नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उन्हें घर वापस लाने में हमारी मदद कर सकते हैं, यही एकमात्र चीज है जो हम पूछने जा रहे हैं। हमें अभी भी उम्मीद है, हम उन्हें चाहते हैं कि जल्द बंधकों को वापस लाया जाए। हम तब तक रुकने वाले नहीं है जब तक हम उन्हें दोबारा वापस नहीं ले आते। फिलहाल इटली की बेहद खूबसूरत पीएम मेलोनी अपने दोस्त मोदी की राह पर जिस तरह से चल पड़ी है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। VK News, राष्ट्र के नाम।